हुजूर के बाद अगर किसी ने दावा किया नबूवत का तो वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा काफिर, और जिस किसी ने भी उसकी तस्दीक की उसको मान लिया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद। ये कानूनी अहमियत है, कानूनी अहमियत है। कोई शख्स मुसलमान रहा या नहीं रहा, ये तो बड़ा अहम मसला है, कानूनी मसला है। उसकी बीवी का उसे निकाह जो है वो खत्म हो गया अगर उसने किसी हुजूर के बाद किसी नबी की नबूवत का इकरार कर लिया या खुद अपने नबी होने का दावा किया, वो फिर मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। सूरह अहज़ाब की आयत, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबियीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमानों तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। ज़ैद इब्न हारिसा को अगर हुजूर ने मुंह बोला बेटा बना लिया था तो मुंह बोला बेटा कोई हकीकत नहीं रखता, वरना आप किसी मर्द के वालिद नहीं हैं। आपको अल्लाह ने बेटे दिए भी इब्तिदा में, वो फौरन फौत हो गए। आपके उम्र के आखिरी दौर में भी हजरत इब्राहिम की विलादत हुई, हजरत मारिया किबतिया के बतन से वो भी फौत हो गए बचपन में। तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबियीन, वो तो अल्लाह के रसूल है और नबियों की मोहर है, मोहर लग गई, अब यहां से कोई और शय नहीं निकल सकती, ये बंद हो गया रास्ता, यहां से अब किसी और नबूवत के इजरा का सवाल पैदा नहीं होता। देखिए, एक जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है हजरत सौबान से रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़्ज़ुमु अन्नहु नबीयुन व अना खातमुन नबीयीन ला नबीया बादी। आपने फरमाया मेरी उम्मत में 30 अफराद ऐसे उठेंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, उनमें से हर शख्स जो है ये गुमान करता होगा अपने बारे में कि वो नबी है, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूं। और खातमुन नबीयीन के मानी क्या, ला नबीया बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इस कानूनी मफहूम को बहुत ही उम्दगी के साथ यहां वाजे कर दिया गया कि अब चाहे दज्जाल उठेंगे, हुजूर के अपने जमाने में उठ गए थे, फिर इस दौर में तो बड़ी तेजी के साथ, बड़ी रफ्तार जो है तेज हो गई है, जमाना आखिरी आ रहा है, वो 30 की तादाद अब जो है पूरी होनी है। बहाउल्लाह ईरान में उठा, गुलाम अहमद कादियानी हिंदुस्तान में उठा, अभी आपके यहां एक यूसुफ साहब थे, उनको वैसे ही एक शख्स ने गोली मार दी है साईवाल जेल में, वरना वो भी कहते थे मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। पिछले दिनों खबर आई थी कि मुल्तान में किसी ने नबूवत का दावा कर दिया है, वो गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो यहां हुजूर ने फरमा दिया कि 30 होंगे ऐसे अफराद मेरी उम्मत में से कि जो दावा करेंगे वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाबून, और जो दावा करेंगे नबूवत का, हालांकि मैं खातमुन नबीयून हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। दूसरी हदीस है, ये हजरत अबू हुरैरा से है रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सुनन अबी दाऊद में है। ला तकूमु साअतु, हुजूर ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी, हत्ता यखरुजा सलासूना दज्जालून, जब तक के 30 दज्जाल जाहिर न हो जाए, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, जिनमें से हर शख्स ये कहेगा और समझेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये दो हदीसें हैं ला नबीया बागी के मफहूम के अंदर, कानूनी मफहूम, जो खत्म नबूवत का ये मफहूम है कि आपके बाद कोई नबी नहीं। दूसरी हदीस सुनिए, इसमें तकमील नबूवत का तसव्वुर आ रहा है, बड़ी प्यारी हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और इस हदीस की सनद बहुत कवी है, मुत्तफकुन अलैह बुखारी और मुस्लिम दोनों में। हुजूर फरमाते मसली व मसलुल अंबिया है, मेरी और साबिका अंबिया की मिसाल ऐसे है का मसल कसरिन, एक ऐसा महल किसी है, उहसिना बुनियानुहू, जिसकी तामीर बहुत उम्दा की गई, बहुत शानदार कसर तामीर किया गया, वतका मिन्हु मौज़अ लबनतिन, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी गई, एक जगह पर रखना छोड़ दिया गया, वो कमी एक थी कि जो उसके अंदर बाकी थी, फताफा बिन नजारो यतअज्जबून मिन हुस्न बुनियानिही,
तो उस महल और कसर का तवाफ करते थे लोग, इर्द गिर्द घूमते थे और बहुत तजुब करते थे कितनी शानदार इमारत है, कितनी अजीम इमारत है, कैसा आलीशान महल ताबीर किया गया है। इल्ला मौजा तिनकल लमन, सिवाय उस एक ईंट की कमी के जो उन्हें अजीब अजीब महसूस होती थी कि ये एक ईंट की कमी क्यों रख दी गई। अब हुजूर फरमाते फकुन तो अना, वो ईंट मैं हूं, सदक तो मौजा लबनते, मैंने उस ईंट के रखने को पूरा कर दिया है। खुतमा बेन बुनियान, मेरे जरिए से तस्वीर रिसालत की तकमील हो गई है। वह खुतमा बेन रसुल, और मेरे जरिए से मुझ पर रिसालत का इख्तिताम हो गया। अब यहां महल और महल में एक कमी और उस कमी का आपके जरिए से पूरा हो जाना, यह है तकमील नबूवत और रिसालत का मामला। भी अब हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करेगा या किया है, वो दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठा, काफिर, मुर्तद, वाजिबुल क़त्ल, ये इसका कानूनी तकाजा है। बदकिस्मती से सूरत क्या हुई, आलम इस्लाम में इससे पहले जब भी किसी ने यह काम किया, जब तक मुसलमानों की हुकूमतें थीं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। आपको मालूम है कि हुजूर के फौरन बाद जो खड़े हो गए थे मुसैलमा कज़्ज़ाब और बड़े बड़े मुद्दईयान नबूवत, उनके खिलाफ जिहाद किया गया, उनको कत्ल किया गया, तहतेक किया गया। बहाउल्लाह ईरान में उठा तो वहां चूंकि बहरहाल मुसलमानों की हुकूमत थी, कत्ल कर दिया गया। अब भी कोई बहाई ईरान में नहीं रह सकता, सब वहां से भाग चुके हैं, कोई नहीं रह सकता, कोई वहां आएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां मामला यह था कि अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज की हुकूमत में हर शख्स को खुली छूट थी। अकबर अलाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर वो नक्शा खींचा है, गवर्नमेंट की खैर यारो मनाओ, गले में जो आए वो ताने उड़ाओ, कहां ऐसी आजादियां थी मयसर, अनल हक कहो और फांसी ना पाओ। अगर इस्लामी हुकूमत होती, मुसलमान हुकूमत होती, चाहे आले बेयारी इस्लामी हुकूमत ना भी होती, मुसलमानों की हुकूमत होती, तो जिसने अनल हक कहा मंसूर, वो सूली चढ़ा दिया गया या नहीं? जिसने नबूवत का दावा किया वो कत्ल कर दिए गए कि नहीं? अंग्रेज की हुकूमत थी, गवर्नमेंट की खैर यारो मनाओ, गले में जो आए वो ताने उड़ाओ, खुदाई का दावा कर दो, नबूवत का दावा कर दो, रिसालत का दावा कर दो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी दारोगीर का कोई अंदेशा ही नहीं। कहां ऐसी आजादियां थी मयसर, अनल हक कहो और फांसी ना पाओ। उसी जमाने में एक वाकया ये हुआ था, गुलाम अहमद कादियानी ने एक दावती खत लिखा काबुल के हुक्मरान, तो मैं भूल रहा हूं कि वह अमीर दोस्त मोहम्मद खान थे या अमीर अब्दुलरहमान खान थे, इन दोनों में से किसी के साथ किसी के सामने वो खत पहुंचा। जैसे कि हुजूर ने खतूत भेजे थे कैसर को, किसरा को, तो इसको भी शौक चढ़ाया कि मैं भी तो अब नबी हूं, नबूवत का दावा कर चुका हूं, तो मुझे पड़ोस काबुल जो है अफगानिस्तान, वहां के बादशाह को दावत देनी चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाए। जब वो खत वहां पहुंचा है तो अमीर काबुल ने उसी खत पे दो अल्फाज लिख दिए और वापस कर दिया। अल्फाज क्या थे? ई जा बेआ, यहां आओ जरा और यहां आकर तुम दावा करो नबूवत का। ये तुम अंग्रेज की छतरी तले बैठे हुए दावे कर रहे हो, अंग्रेज के साए तले जो है और अंग्रेज जो है तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुमने जिहाद को जो है खत्म कर दिया, दी के लिए हराम है अब दोस्तों किताल, हुरमत हुरमत है किताल, अंग्रेज को और क्या चाहिए था। ग्लैडस्टन ने जबकि वो वजीर आजम था बर्तानिया का, उसने कहा था अपने पार्लियामेंट में कुरान को लहरा कर, जब तक ये किताब दुनिया में मौजूद है अमन कायम नहीं हो सकता, ये तो जिहाद और किताल की बात करती है। तो उनको और क्या चाहिए था कि अगर कोई इस किताल को खत्म कर दे, मनसूख कर दे और मुसलमानों में से जज्बा जिहाद और किताल फी सबीलिल्लाह को निकाल दे, तो इससे बड़ी और क्या खिदमत होगी। लेकिन यह कि अगर तुम्हें यह दावत देनी है तो जरा यहां आओ, ई जा बे आ, यहां आके ये दावत दो मुझे, ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो, तुम्हें मालूम हो कि इस दावा करने का मतलब क्या है। लेकिन एक बात मैं अब आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। इस मुल्क में 1974 में जो फैसला हुआ कादियानियों के गैर मुस्लिम अकलियत करार पाने का,
वो वाकया ये है कि बहुत ही मुबारक फैसला था। उसके लिए तहरीक जो उठी वो भी बहुत ही उम्दा थी, बहुत पुरअमन थी, बहुत मुनज्जम थी। मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह उसके कायद थे। कोई सियासी लीडर जो है उसमें नुमाया नहीं था, खालिस दीनी तहरीक थी। फिर उस वक्त हमारे यहां हुक्मरान जुल्फिकार अली भुट्टो, हालांकि खालिस सेकुलर जहन का आदमी, और कादियानियों ने उसे सपोर्ट किया था 1970 के इलेक्शन में। कादियानी समझते थे वो तो हमारा अपना आदमी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथों लेकिन बेहतरीन तरीके से, जिस पर एतराज किया ही नहीं जा सकता, पार्लियामेंट के जरिए से फैसला करा। कोई ऑर्डिनेंस नहीं था, कोई हुक्म जो है, फरमान जो है, वो इशू नहीं हुआ था, पार्लियामेंट के जरिए से। और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई जिसमें के मौका दिया गया कि कादियानियों के सरबरा भी आ जाएं, लाहौरियों के सरबरा भी आ जाएं। ये दोनों सेक्ट जो हैं कादियानियत के, पहले कादियानी थे, अब वो रबवाई हैं, रबवे वाले हैं। लाहौरी जैसे पहले लाहौरी थे, आज भी लाहौरी हैं। उन दोनों के सरकर्दा लोगों ने आकर वहां पर उस कमेटी के सामने पेश होकर बयानात दिए और कहा, खुलकर कहा। नासिर अहमद उस वक्त जो है खलीफा था इनका, मिर्जा ताहिर अहमद का गालिबन बड़ा भाई मिर्जा नासिर अहमद। उन्हें कहा, हम नबी मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी को हम नबी मानते हैं डंके के चोट का। लिहाजा उसके बाद पार्लियामेंट ने फैसला किया ये गैर मुस्लिम है, और सही फैसला किया। लेकिन ये फैसला अधूरा है, ये बात आज मैं पहली मर्तबा कह रहा हूं, इसे नोट कर दीजिए। कादियानियत के फितने को कोई गजंद नहीं पहुंचा है उनके गैर मुस्लिम करार दिए जाने से। वो फितना जू का तू पनप रहा है, जू का तू फैल रहा है, जू का तू वो अपने सरतान की जड़ें फैला रहा है हमारे माशरे में। और वैसे ये कि आलमी सतह पर उन्हें बड़ी सरपरस्ती हासिल हो गई है, पूरी दुनिया जो है मगरबी दुनिया वो उनकी सरपरस्ती कर रही है। लेकिन यह कि अंदरून मुल्क भी इस फितने का कला कबा अगर हो सकता था तो सिर्फ उस वक्त जबकि इस फैसले का जो कानूनी और मंतकी तकाजा है वो भी पूरा किया जाता, और वो ये कि मुर्तद को कत्ल की सजा दी जाती। इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है। वही मैंने आपसे अर्ज किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में क्यों कताल किया गया, और जितने भी लोगों ने नबूवत के दावे किए उन्हें क्यों कत्ल किया गया हमेशा इस्लाम की तारीख में। लिहाजा मुर्तदीन की सजा, सजाए कत्ल जब तक नाफिज नहीं होगी, इस फितने को कोई गदम नहीं पहुंचेगा। बल्कि वो तो अपने आप को मजलूम समझते हैं और मजलूम केस से पेश करते हैं, और जाहिर बात है कि वो सारे शायर, चाहे आप ऑर्डिनेंस नाफिज कर लें, लेकिन उनके जुमे की नमाज होती है। ये ठीक है कि वो मस्जिद की शक्ल नहीं बना सकते, मॉडल टाउन में एक बड़ी बड़ी कोठी के अंदर उनका जुमा होता है, उनकी ईदें अलहदा होती है। वो सारे शायर इस्लामी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उल्टा मजलूमियत जो है उसका लिबादा ओढ़ लिया है, जैसे दुनिया में यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट की मजलूमियत का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। हम जो चाहे जुल्म कर ले नौ इंसानी पर, हमें कोई गदन नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि हमने इतना बड़ा जुल्म सहा था, हॉलोकॉस्ट हमारे 60 लाख आदमी जर्मनों ने खत्म कर दिए थे, तो हम अगर 8-10 लाख मार दें फिलिस्तीनी या कोई और अरब या और मुसलमान, तो कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह कादियानियों ने मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, और इनको कोई कदम नहीं पहुंचा है जब तक के कत्ले मुर्तद की सजा यहां नाफिज नहीं की जाएगी। इसमें यह होना चाहिए था कि जिस रोज में यह फैसला हुआ डिक्लेयर हो जाता साथ ही, अब तक के जो कादियानी हैं आज के इस तारीख से फैसले से पहले पहले, वो तो अकलियत करार पाएंगे, उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के निफाज के बाद जो शख्स भी कादियानियत इख्तियार करेगा, उस पर कत्ल मुर्तद की सजा, उसकी हक जारी की जाएगी। आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी जिल्ली या बुरूजी
तब कोई पैगंबर आएगा न लोगों जिल्ली या बुरूजी, अब कोई पैगंबर आएगा न लोगों। आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी लानवी आबादी।